प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रार्थना पत्र पढ़ेंगे। प्रार्थना पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। आपको परीक्षाओं में एक प्रार्थना पत्र लिखने को प्रश्न पूछा जाता है, जो लगभग 4 अंक का होता है। आपको इस तरीके से प्रश्न दे रखा होता है, अपने को वेद प्रताप मानते हुए अस्वस्थता के कारण अपने प्रधानाध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। जब हम प्रधानाध्यापक जी को पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले पत्र के प्रारंभ में बाईं तरफ हम लिखते हैं संबोधन शब्द। संबोधन शब्द में हम लिखते हैं सेवा में, इसके बाद अल्पविराम लगाते हैं, इसके बाद हम उनके पद का नाम लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ये पद का नाम हुआ। इसके बाद अल्पविराम लगाते हैं, इसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं, आदर्श विद्या मंदिर चिड़ावा। इसके बाद हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक इसी के नीचे हम मान्यवर या महोदय लिखते हैं, चाहे हम मान्यवर लिखें और चाहे महोदय लिखें, इन दोनों में से कोई सा शब्द हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान्यवर लिखा है या महोदय भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में अल्पविराम लगाया जाता है। इसके बाद जब हमारा पत्र पूरा हो जाता है तो पत्र के नीचे यहाँ पर बाईं तरफ हम दिनांक लिखते हैं। इसके बाद जब हमारा पत्र पूरा हो जाता है तो पत्र के अंत में या पत्र के समापन के बाद हम यहाँ पर नीचे दाईं तरफ लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य। छात्रा होती है तो शिष्य लिख देते हैं, और यदि हम स्कूल से संबंधित नहीं हैं और हम प्रधानाध्यापक जी को पत्र लिखते हैं तो यहाँ पर प्रार्थी या भवदीय लिखा जाता है। तो हम प्रधानाध्यापक जी को पत्र लिख रहे हैं तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आदर्श विद्या मंदिर चिड़ावा, मान्यवर, सादर निवेदन है कि अस्वस्थावश में आज दिनांक, जो भी दिनांक होती है, 15/9/2020 को विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। इसी तरीके से दूसरा पत्र पढ़ते हैं। शैक्षिक भ्रमण हेतु अपने प्रधानाध्यापक महोदय से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हम प्रधानाध्यापक जी को पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले पत्र के प्रारंभ में बाईं तरफ हम संबोधन शब्द लिखते हैं, जैसे सेवा में, इसके बाद में अल्पविराम लगाते हैं, फिर हम उनके पद का नाम लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर यहाँ पर हम महोदय के बाद अल्पविराम लगाते हैं, इसके बाद में विद्यालय का नाम लिखा जाता है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़, इसके बाद पूर्ण विराम लगाते हैं, इसके बाद हम मान्यवर या महोदय भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो मान्यवर या महोदय लिखते हैं, इसके बाद अल्पविराम लगाया जाता है, फिर हम अपने पत्र का विवरण प्रारंभ करते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़, मान्यवर, सविनय निवेदन है कि हम कक्षा 8 अ के सभी छात्र शैक्षणिक भ्रमण पर अजमेर जाना चाहते हैं। वहाँ का भ्रमण करने पर हमें
शैक्षिक जानकारी के साथ साथ वहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भौगोलिक एवं ऐतिहासिक ज्ञान भी प्राप्त होगा। अतः निवेदन है कि हमें उस शैक्षिक भ्रमण की अनुमति प्रदान करते हुए इतिहास के शिक्षक महोदय को मार्गदर्शक के रूप में भेजने की कृपा करें। अब हमारा पत्र पूरा हो गया तो पत्र के बाईं तरफ हम दिनांक लिखते हैं, जिस तारीख को या जिस दिनांक को हम पत्र को देना चाहते हैं तो वो दिनांक लिखी जाती है, तो यहाँ पर दिनांक लिखती है। इसके बाद में पत्र के अंत में, जब हमारा पत्र पूरा हो जाता है तो पत्र के अंत में दाईं तरफ हम लिखते हैं आपके आज्ञाकारी शिष्य कक्षा जो भी होती है इसके समस्त छात्र। इसी तरीके से तीसरा पत्र है, आप सूरतगढ़ निवासी रोहित नंदन हैं, आपके पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से जयपुर हो गया है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अर्थ होता है TC। तो जब हम प्राचार्य महोदय जी को हम पत्र लिखते हैं तो संबोधन शब्द में पत्र के प्रारंभ में बाईं तरफ लिखा जाता है सेवा में, इसके बाद अल्पविराम लगाते हैं, इसके बाद हम उनके पद का नाम लिखते हैं श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, इसके बाद हम अल्पविराम लगाते हैं, इसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरतगढ़, इसके बाद में हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगाते हैं, इसके बाद में हम यहाँ पर विषय लिखते हैं। विषय हम यहाँ पर भी विषय लिख सकते हैं मान्यवर, ये यहाँ पर हमने आदर्श विद्या मंदिर, यहाँ हम विषय लिख सकते हैं या लिखते हैं और विषय के बाद हम मान्यवर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ये लिख रखा है। तो विषय लिखने से हमें ये पता चलता है ताकि पाठक जो पत्र को प्राप्त करता है वो ये समझ जाए कि ये पत्र किस लिए लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर हम विषय लिखते हैं, विषय के बाद हम यहाँ पर मान्यवर या महोदय भी हम लिख सकते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर अल्पविराम लगाते हैं, फिर हम अपने पत्र का विवरण प्रारंभ करते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरतगढ़, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के संबंध में, फिर यहाँ पर हम पूर्ण विराम लगा देते हैं, फिर मान्यवर या महोदय लिखते हैं, फिर अल्पविराम लगाते हैं, फिर पत्र का विवरण प्रारंभ करते हैं। मान्यवर, विनम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी न्याय विभाग में कार्यरत हैं, उनका स्थानांतरण सूरतगढ़ से जयपुर हो गया है, मुझे भी अपने पिताजी के साथ जयपुर जाना है, अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि मुझे अपने विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिलवाने की कृपा करें ताकि मैं जयपुर के राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेकर अपना अध्ययन जारी रख सकूं। इस कृपा के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। इसके बाद में जब हमारा पत्र पूरा हो जाता है तो पत्र के बाईं तरफ, पत्र के नीचे बाईं तरफ हम दिनांक लिखते हैं, जिस तारीख को हम पत्र लिखते हैं वो दिनांक लिखी जाती है, तो दिनांक 25 सितंबर 2020 जो भी हो। इसके बाद जब हमारा पत्र पूरा हो जाता है तो पत्र के अंत में दाईं तरफ हम लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य रोहित नंदन, जो भी क्लास होती है
जो भी विद्यार्थी का नाम होता है। इसके बाद यदि हम विद्यालय से संबंधित हैं या हम विद्यार्थी हैं तो छात्र हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखते हैं और छात्रा है तो शिष्य लिखा जाता है। इसके बाद में यदि हम स्कूल से संबंधित नहीं हैं और हम प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते हैं तो आपका आज्ञाकारी जो हम शिष्य लिखते हैं उसके स्थान पर हम प्रार्थी या भवदीय लिखते हैं। इसके बाद हम अगला पत्र पढ़ते हैं। अपने को भरत कुमार मानते हुए बड़े भाई की शादी में जाने के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये भी प्रार्थना पत्र है। तो जब हम प्रधानाचार्य जी को हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले पत्र के प्रारंभ में हम संबोधन शब्द लिखते हैं सेवा में, इसके बाद अल्पविराम लगाते हैं, इसके बाद उनके पद का नाम लिखा जाता है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर अल्पविराम लगाया जाता है, इसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं जिसमें वो सेवा दे रहे हैं, तो आदर्श विद्या मंदिर डेक, फिर इसके बाद में हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। इसके बाद हम विषय लिखते हैं, यहाँ पर विषय नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर विषय लिखते हैं कि किस वजह से हमें, तो विषय में हम लिख सकते हैं अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। विषय में हम क्या लिख सकते हैं? अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। इसके बाद में हम यहाँ पर महोदय लिखते हैं या यहाँ पर मान्यवर भी हम लिख सकते हैं, इसके बाद में अल्पविराम लगाया जाता है। इसके बाद हम अपने पत्र का विवरण प्रारंभ करते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आदर्श विद्या मंदिर डे। विषय अवकाश चाहने हेतु या अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मेरे बड़े भाई सांवरमल का शुभ विवाह दिनांक 24 मार्च 2020 को, जो भी दिनांक होती है जो लिखते हैं, को है। बारात डीक से भरतपुर जाएगी, मेरा बारात में सम्मिलित होना आवश्यक है, अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 23 मार्च 2020 से 25 मार्च 2020 तक, जो भी दिनांक होती है, तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। पूर्ण विराम लगाया दिया जाता है। इसके बाद हम धन्यवाद अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद में संबोधन शब्द हम पत्र के प्रारंभ में बाईं तरफ लिखते हैं। इसके बाद जब हमारा पत्र पूरा हो जाता है तो हम पत्र के अंत में बाईं तरफ हम क्या लिखते हैं? दिनांक लिखते हैं, जिस तारीख को पत्र हम लिखते हैं या जिस तारीख को हम पत्र प्रार्थना पत्र देते हैं उस दिन की दिनांक लिखते हैं। इसके बाद में जब हमारा पत्र पूरा हो जाता है तो हम पत्र के अंत में दाईं तरफ लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य भरत कुमार, जो भी क्लास होती है, जो भी नाम होता है वो लिखते हैं, लेकिन ये पत्र के अंत में दाईं तरफ लिखा जाता है। यदि हम विभाग विद्यालय से संबंधित हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे, अगर हम विद्यालय से संबंधित नहीं हैं या हम विद्यार्थी नहीं हैं तो हम यहाँ पर प्रार्थी या भवदीय लिखते हैं, और छात्र है तो शिष्य लिखते हैं और छात्रा है तो शिष्या लिखते हैं। इस तरीके से आज हमने इन चारों प्रार्थना पत्रों का विस्तारपूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इन्हें याद करें और प्रार्थना पत्र लिखना सीखें और इन चारों प्रार्थना पत्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और याद करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।